लेकर आई हूँ। तुरई के बारे में हम लोग सभी ये सोचते हैं कि तुरई बीमारों का खाना है, जबकि ऐसा नहीं है। तुरई में भी कुछ खास पोषक तत्व होते हैं जो हम सभी के लिए जरूरी हैं। तो हम इसे कुछ इस तरीके से बनाएं जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाए और ये सभी को पसंद आए। तो चलिए देखते हैं हम तुरई कैसे बनाते हैं। तुरई की तासीर ठंडी होती है, ये बहुत ही सुपाच्य होती है। हम इसके गुणों के बारे में नहीं जानते, इसीलिए इसे नापसंद करते हैं। तुरई में विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। यह वेट कम करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है, साथ ही यह हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये हार्ट को मजबूत करती है और हमारे बीपी को भी संतुलित बना के रखती है। मीन्स बीपी को हाई या लो नहीं होने देती, एक सही संतुलन बनाकर रखती है। और साथ ही यह अस्थमा में भी बहुत फायदेमंद है, इसलिए हमें तुरई को जरूर खाना चाहिए। तुरई की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने तुरई को वॉश करके अच्छे से छील कर कट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक बड़े प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। साथ में लिए हमने कुछ मसाले, ये आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून लगभग हल्दी पाउडर है, और ये 1 स्पून धनिया पाउडर, और 1 स्पून ही हमने नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। साथ ही में मैंने 1 पिंच ऑफ हींग लिया है, और हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच शुद्ध घी अपनी तुरई को छोंकने के लिए, और 1 नींबू का रस हम अपनी तुरई में यूज करेंगे। इसको मैं कैसे यूज करूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक पैन में मैं डाल लेती हूँ घी। ये यहाँ पर हमने शुद्ध घी यूज किया है। सबसे पहले तो हरी सब्जियां शुद्ध घी में बनने से उनके गुण और भी बढ़ जाते हैं, और तुरई में विशेष रूप से हम इसे शुद्ध घी में बनाते हैं तो इसमें एक अच्छा सा स्वाद आता है। आप देखेंगे जैसे घी गर्म होता है, मैं इसमें डाल देती हूँ अजवाइन, और जैसे ही अजवाइन पॉपअप होना शुरू होगी हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को यहाँ पर हमें गोल्डन ब्राउन या पिंक नहीं भूनना है, बस हम इसको थोड़ा सा सोते करेंगे। ये देखिए प्याज का बस हल्का सा कलर चेंज हो, हमें तभी तक भूनना है, ये बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने बाकी मसाले। सबसे पहले हम डाल देते हैं हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हींग और नमक। इन सबको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई तुरई। इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस को सिम करके हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको ढक देते हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से चला देते हैं। ये देखिए हमारी तुरई ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था, आपने देखा है। और इसके ये वाले पानी में ही बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। इसको बनने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, 25-30 मिनट्स हम इसको सैलो कुक करते हैं, हम इसको प्रेशर कुक नहीं करते, और इसी से इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अभी हम ढक के इसको थोड़ी देर पकने के लिए और छोड़ देते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारी तुरई लगभग बनकर तैयार हो गई है, और इसमें कितना सारा पानी आ गया है,
और आपने देखा है कि मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। अब हम इसको बस 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए अब हमारी तुरई परफेक्टली बनकर तैयार हो गई है और अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। और अब हमारी तुरई खाने के लिए रेडी है, हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमारी तुरई की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है और अभी सर्व करने से पहले हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमारी तुरई अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और अब कोई नहीं कहेगा कि तुरई बीमारों का खाना है। आप इस तरीके से बनाइए, सभी लोग इसे खुशी खुशी खाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगती है।